अस्सलाम वालेकुम ड्राइव थ्रिलर, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्राइव थ्रिल। मैं हूं आपका होस्ट सैयद शायान और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया एक नई गाड़ी का रिव्यू। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये गाड़ी जो मेरे साथ आप देख रहे हैं जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं, ये फॉर सेल है जो कि डिफेंस मोटर ने स्पॉन्सर की है। इस गाड़ी की प्राइस और इसकी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों रिव्यू स्टार्ट करते हैं। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ। इस गाड़ी की जनरेशन मैं बताना चाहूँगा, इसका मॉडल मैं बताना चाहूँगा। जनरेशन दोस्तों ये फिफ्थ जनरेशन है जो कि 2004 से लेके अब तक आ रही थी, अभी रिसेंटली चेंज हुई है क्योंकि ये गाड़ी आई इसी तरीके से रही थी तो फिफ्थ जनरेशन ही चल रही थी पाकिस्तान में। इसका मॉडल ही चेंज किया गया था क्योंकि अब सुजुकी ने महरान को डिसकंटिन्यू किया है तो ऑल्टो का न्यू मॉडल आया, वो आजकल चल ही रहा होगा मार्केट में, उसका भी रिव्यू करेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो आइए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। हम बात कर लेते हैं पहले फ्रंट से। फ्रंट का वही सिंपल सा लुक आप देख सकते हैं, वही आई कैचिंग रिव्यू जिसे कहते हैं। और आप ग्रिल देख सकते हैं इसकी, ये ब्लैक मैट ब्लैक कलर में है। ये क्रोम की पट्टी ऊपर देख सकते हैं आप इसमें, और इसमें क्रोम का ये सुजुकी का लोगो वो जो ट्रेडिशनल आता है सेम वैसे ही है। नंबर प्लेट की वैसे जगह नहीं देते लेकिन ये इसके साथ आप देख सकते हैं, इसमें बम्पर के साथ अटैच कर की जाती हैं। पहले जो आता था दोस्तों ये ब्लैक कलर में आते थे बम्पर, बॉडी कलर नहीं आते थे, तो आप देख सकते हैं आप बॉडी कलर आते हैं। लाइट्स की बात कर लेते हैं, सिंपल क्रिस्टल लाइट्स लगी हुई हैं देख सकते हैं आप, साइड में इंडिकेटिंग लाइट लगी हुई है और इसको खूबसूरत टच देती है ये। आप लाइट की मैंने बात बता दी, इसमें आपको दोस्तों फोग लैंप्स नहीं मिलते, सिंपल इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ी है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा का जो फासला होता है इसकी प्राइस को कम करने के लिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्राइस को कम किया जाए ताकि लोगों की पहुंच में हो गाड़ी। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साइड प्रोफाइल पे। तो आइए साइड प्रोफाइल पे बात कर लेते हैं। साइड प्रोफाइल में जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 12 इंच का अलॉय व्हील आता है, इसमें अलॉय रिम्स नहीं आते, सिंपल आते हैं कवर्स व्हील कप्स के साथ आते हैं। टायर आप देख सकते हैं आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं इसमें। फेंडर पर आप देख सकते हैं दोस्तों कोई इंडिकेटिंग लाइट्स नहीं दी गई, सिंपल से साइड मिरर्स हैं, ना कोई रिट्रैक्टेबल है, ना कोई एलईडी इंडिकेटिंग लाइट्स लगी हुई है इसमें, सिंपल से हैं जो चोरी भी नहीं होते कभी, आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता क्योंकि आजकल जो ऑटोमेटिक चल रहे हैं वो ज़्यादा जल्दी चोरी हो जाते हैं। इनको चोर हाथ डालने से पहले 10 दफ़ा सोचता है कि इसको बेच के मिलेगा क्या। तो साइड पर आप देख सकते हैं हैंडल्स हैं, बॉडी कलर नहीं है, ब्लैक हैं, सिंपल की है इसकी आप देख सकते हैं, लॉक के साथ सिंपल की है, वही पुराना ट्रेडिशनल डिज़ाइन है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी ग्राउंड क्लियरेंस पर। तो ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होने वाली गाड़ियों मोस्टली जो है ना पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के लिहाज से ही बनती हैं क्योंकि लोकल गाड़ी है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है, गाड़ी नीचे नहीं लगती स्पीड ब्रेकर्स पे। आप देख ही सकते हैं, आप इसकी हाइट देख सकते हैं कितनी है, ये स्टॉक हालत में इतनी हाइट है, इसको कोई ऊपर नहीं कराया गया कि कोई अल्ट्रेशन नहीं की गई, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों काफ़ी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी बैक प्रोफाइल पर। तो आइए बैक पर बात करते हैं। बैक जैसा कि आप देख सकते हैं वही सिंपल हैचबैक है लेकिन स्मॉल एडिशन में है, स्मॉल गाड़ी है ये, कोई बिग साइज हैचबैक नहीं आती, जिस तरह कल्टस आती है उस तरह की नहीं है, वही महरान से थोड़ी सी आप बड़ी कह लें इसको। तो आप सिंपल बैक है ये देख सकते हैं, आप लाइट देख सकते हैं इसमें कोई LEDs नहीं है, सिंपल लाइट्स लगी हुई हैं, बैक लाइट टेल लाइट जो होती हैं एल शेप में आप देख सकते हैं इनको। आप इसका लॉक का आपकी बूट स्पेस को लॉक अनलॉक करने के लिए आपको बूट स्पेस मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं इसमें कंपनी फिटेड CNG आती है लेकिन लोग बाज़ात बग़ैर CNG के भी लेते हैं, बूट स्पेस इतनी नहीं होती क्योंकि हैचबैक कार है, आपको कोई स्पेस नहीं मिलती और जो रही सही स्पेस होती है वहाँ हम ऐसी चीज़ें घुसा के उसे ख़त्म कर देते हैं, तो बूट स्पेस तो है नहीं। अब एक फ़ायदा ये होता है कि इसके बम्पर में जो होता है ना आपको नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है बैक बम्पर में, आप देख ही सकते हैं ये लगी हुई है, बाकी पीछे से कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई जिसका मैं आपको बता सकूँ कि बहुत आउट क्लास चीज़ लगी हुई है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर के ऊपर। तो आइए इसके इंटीरियर पर चलते हैं, मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ।
इंटीरियर में दोस्तों मैं आ गया हूँ। सीट मैंने कर दी है फुल पीछे, आप मेरी लेग स्पेस देख सकते हैं, हेड स्पेस देख सकते हैं। लेग स्पेस तो काफ़ी अच्छी लग रही है, ड्राइवर के लिए तो बहुत आउट क्लास लग रही है कि आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। हेड स्पेस भी अच्छी है लेकिन इतनी को अच्छी नहीं है, मेरा सर इसके साथ ज़रा टकरा रहा है तो इतनी को अच्छी नहीं है। सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मीटर लगा हुआ है, ऑडोमीटर लगा हुआ है, हॉट एंड कोल्ड के गेज लगे हुए हैं, ये फ्यूल का गेज लगा हुआ है। सिंपल सा आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके सीएनजी के लिए लगा हुआ है, इसके कंट्रोल लगे हुए सीएनजी के इंडिकेटिंग। सिंपल सा ये एसी वेंट लगा हुआ है, वही ऊपर नीचे वाला, यहाँ से आगे पीछे ऊपर नीचे, और दो सेंटर में एसी लगे हुए हैं, एसी के वेंट्स लगे हुए हैं। आप एसी का कंट्रोल देख सकते हैं, वही ट्रेडिशनल किस्म का आता है इसमें। ये मोड चेंज करने के लिए है, सुजुकी का जो कॉमन है, जैसे टोयोटा का कॉमन है ना, वैसे सुजुकी का भी ये कॉमन ही है। टोयोटा में ये लट्टू चलते हैं, यहाँ पे ये क्लिप चलते हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको तो इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए यानी कि मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आपको जगह मिल जाती है, लेकिन LCD वगैरह है ऐसा कुछ नहीं आता इसमें। ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है एज ऑलवेज टिश्यू रखने के लिए। यहाँ पे आपको थोड़ी वो एसी का वेंट मिल जाता है, साइड पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है आपके पेपर्स वगैरह रखने के लिए। ये आफ्टर मार्केट LCD लगाई हुई है इन्होंने, जिन भाई की है ये, और वहाँ पे आपको स्पीकर के लिए जगह मिल जाती है। डोर में आपको दोस्तों देख सकते हैं स्पीकर के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ वैसे आपको स्पेस मिल जाएगा, वही ट्रेडिशनल आपकी ऊपर नीचे करने के लिए, यानी कि जान लगाओ और घुमाए जाओ। इसमें ऐसा कोई पावर विंडो वगैरह नहीं आती दोस्तों, कम लिमिटेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है, 5 स्पीड फॉरवर्ड है। तो बाकी इंजन सेक्शन में मैं आपको इनकी चीज़ें बाकी चीज़ें डिफाइन करूँगा। लेग स्पेस हेड स्पेस आप लोग देख ही चुके हैं, अब मैं आपको इसका इंटीरियर पीछे से दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आप पीछे से देख सकते हैं, छोटा सा इंटीरियर है, ऐसा कोई ज़बरदस्त या बड़ा नहीं है, कोई ऐसी कटी अजी लुक नहीं है। सिंपल सा इकॉनमी सेक्टर की गाड़ी है, तो ऐसा आप कुछ कर भी नहीं सकते कि मुझे इतनी सारी चीज़ें चाहिए, तो चीज़ें चाहिए तो पैसे भी खर्च करें। यह आपको रीडिंग लाइट मिल जाती है, सिंपल आपको रेयर व्यू मिरर मिल जाता है दोस्तों, वैनिटी मिरर नहीं मिलते जैसा कि आप देख सकते हैं। शेड्स हैं सिंपल से, आपको और कुछ नहीं मिलता। आपकी सीट्स भी कंफर्टेबल हैं, लेकिन इतनी को कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आप इकॉनमी सेक्टर के लिहाज से तो काफ़ी कम्फर्टेबल हैं। आपको यहाँ पर ये लाइटिंग के लिए मिल जाता है, पावर डॉक भी कह सकते हैं आप इसको, अच्छा मिल जाता है आपको। ये सीट बेल्ट आती हैं इसमें, आप देख सकते हैं, ऐसा सच को स्पेस नहीं मिलती, ये छोटी सी एक स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पे जो भी रखेंगे वो इधर उधर गिरेगा लाजमी, कोई कप होल्डर नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं हेड और लेग स्पेस की बैक से। तो अब मैं पीछे आ गया दोस्तों, आप लेग और हेड स्पेस चेक कर सकते हैं इसकी। लेग स्पेस तो बहुत कम है, हेड स्पेस आप देख सकते हैं थोड़ी सी अच्छी है। पीछे से गर्मी की वजह से मेरा बुरा हाल है, तो इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। तो लेग स्पेस तो बहुत कम है दोस्तों, आप तीन लोग तो इजीली नहीं बैठ सकते, कंफर्टेबल ड्राइव नहीं कर सकते, इजीली बैठ नहीं सकते, तो हेड स्पेस तो काफ़ी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके, आपको निकलते भी बहुत प्रॉब्लम होगी, बात याद रखिएगा। तो बड़े लोग प्लीज़ पीछे मत बैठिएगा, आगे बैठिएगा, स्पेस पीछे भी कोई नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन सेक्शन पर, तो आइए आपको इंजन दिखाते हैं इसका। इंजन जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, 1000 CC का इंजन है, 3 सिलेंडर आता है, काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन वही कॉमन टेक्नोलॉजी जो सुजुकी की आती है सब में, वही सेम चीज़ है। तो आप देख ही सकते हैं ऐसा कुछ इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इकॉनमी की बात कर लेते हैं, फ्यूल इकॉनमी की, इकॉनमी इसकी अच्छी है, आपको हाईवे पर दे देती है 12, 13, 14 ईजिली दे देती है, विदेशी और विद इन सिटी, सॉरी हाईवे नहीं, और हाईवे पे 1-2 किलोमीटर आप इसको ज़्यादा भी कर लें, वो आपके चलाने पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हैं, गाड़ी को अपना समझ के चलाते हैं कि किसी गैर का समझ के चलाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम इसकी प्राइस के बारे में, और आपको ये गाड़ी कहाँ अवेलेबल हो सकती है। पहले तो ये गाड़ी आपको drivethrough.com पे भी अवेलेबल होगी, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, और दूसरा ये डिफेंस मोटर बर्की रोड पर भी अवेलेबल होगी। उनकी लोकेशन और उनका एड्रेस नीचे आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, जिन भाई को चाहिए हो वो चेक कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनको। इसकी डिमांड है दोस्तों 7.5 यानी कि 7,25,000, और ये 12 मॉडल है और 12 की ही रजिस्टर्ड है, लोकल गाड़ी है, इंपोर्टेड नहीं है,
तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिन्होंने कर लिया वो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बहुत मेहनत लगती है, हालत देख सकते हैं मेरी बहुत गर्मी है, प्लीज़ कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।